क्या हुआ? हाँ? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। ओ, लेकिन मैं तो अपने आप से बहुत खुश हूँ। क्योंकि हम दोनों का एक चीज को देखने का नजरिया बहुत अलग है। तुम ये फिर से जल कुकड़ी पनाह दिखा रही हो ना? तुम्हारी जगह मैं जेल के अंदर आ गया तो तुम जेलस फील कर रही हो, राइट? अगर तुम मुझे ये बोलकर अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बहुत बुरी तरह फेल हो रहे हो। ठीक है, मैं हारा, तुम जीती। तुम अच्छा फील करो मुझे। नहीं करा सकती। इस सिचुएशन में कोई किसी को अच्छा फील नहीं करा सकता। मैं तुम्हें बस खाना देने आई। ओह, इतना गुस्सा? हाँ मैडम, ये मत भूलिए कि आई एम दी करण रुद्रा। तो क्या हुआ अगर मैं सलाखों के पीछे हूँ? कोई मुझे एटीट्यूड नहीं दिखा सकता। अगर तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी ना तो फिर मैं अलिश्का और सोफिया को बुला लोगे। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। What the hell? ये दोनों तो हंस रहे, मुझे लगा था लड़ रहे। अगर इन दोनों के बदले मैं और मेरी शर्लिन बेबी होते ना यहाँ तो शादी कर ली। बहुत शौक है तुम्हें हंडी दूर से। मतलब एक मिनट के शादी कर तो लड़के एक दूसरे को नोच नोच के एक दूसरे का हुलिया ही बदल लेते हैं। पर ये दोनों झगड़ झगड़ के भी एक दूसरे को हंसा रहे। What the hell? अच्छी लगती हो हंसते हुए, पहले भी खाया ना मैंने। याद है ना? नहीं, ठीक से याद नहीं है। अब समझ में आया मुझे क्यों तुम मेरा इतना दिमाग खाती हो। हम दी करण लूथरा, मेरा दिमाग खाओगी तो तुम्हारा दिमाग भी शार्प हो जाएगा, राइट? मारू लगी ना? नहीं लगी, थोड़ी सी लगी होती तो किस कर लेता। ऐ मेरे नादान दिल, ऐ मेरे नादान दिल, देख तू टूट मत जाना। ये गिल्ली डंडा प्लेयर तो जेल में गया और अब बहुत जल्द प्रीता जी की जिंदगी से भी चला जाएगा और फिर ये प्रेम कहानी तेरी, सिर्फ तेरी। करण, आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से निकलवा कर रहूंगी। और मैं जज से ये नहीं कहने वाली हूँ कि ये खून मैंने किया है। ऐसी बेवकूफी नहीं करने वाली, क्योंकि ये खून ना तुमने किया है ना मैंने किया, और यही मैं प्रूव करके रहूंगी कि हम दोनों ही बेकसूर हैं। और जो कातिल है उसे ढूंढ कर कोर्ट के आगे लेकर आऊंगी। ये प्रीता करण दूसरा का वादा है तुमसे। I know. प्रीता का वादा कच्चा हो सकता है, लेकिन प्रीता करण दूसरा उसका वादा कच्चा नहीं हो सकता। I trust you. मिस्टर कॉड, अगर प्रीता जी ने सच में इस गिल्ली डंडा प्लेयर को बेकसूर साबित कर दिया ना,
तो फिर इस मर्डर मिस्ट्री में मेरा जो भी रोल था सबके सामने आ जाएगा, और उसके बाद इस घर की चाबी यानी कृतिका से मेरी शादी कभी नहीं होगी। नो नो नो, तेरी लाइफ खत्म हो जाएगी पृथ्वी, तू बर्बाद हो जाएगा। नो मिस्टर गॉड, नो। मैडम मिलने का टाइम खत्म हो गया। क्या यार, तुम भी कितनी बातें करती हो, एक साथ बैठ के डिनर करते। मैं बातें करती हूँ? हाँ तो क्या मैं करता हूँ? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या? कल सुबह मेरे लिए नाश्ता लेकर आना, एक साथ करेंगे। सिस्टी बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 15 मिनट। बाय प्रीता भाभी, ये लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गिट्टू। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा नाश्ता बनाया भाई। राखी माँ, आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। वाह रे प्रीता, तेरे दो चेहरे हैं, अंदर से तो कितनी चालाक है और परिवार के सामने कितनी भोली। ये मेरी धर्म पत्नी जिस तरह घूर घूर के देख रही है प्रीता को, जरूर कुछ गलत ही सोच रही है और कुछ गलत ही करेगी रिश्तों में। प्रीता, मैं करण से मिलने जेल गई थी। वहां जाके मैंने करण से बहुत सारी बातें की। मैंने उसे कहा कि मैंने उसके पापा जी को बता दिया है कि वो जेल में है, और महेशी पे क्या बीत रही है वो भी बता दिया। लेकिन तुम्हें पता है, बड़ी अजीब चीज हुई। मैं बोलती रही, चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा, और फिर कहा, माँ आज सवेरे पापा मुझसे मिल के गए। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुझसे पहले महेश जी जेल चले गए करण से मिलने। अब और मैं क्या बोलती करण को, बाप बेटे के बीच में जो बातें होनी थी सब हो गई। कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। इसलिए महेश पापा सुबह अपने कमरे में नहीं थे, मुझे लगा कि मॉर्निंग वॉक के लिए गए होंगे, लेकिन वो करण से मिलने गए। क्या हुआ राखी माँ, आप कुछ और भी कहना चाह रही है ना? एक बड़ी अजीब सी बात हुई। जब मैं करण से मिलने गई तो करण ने मेरे साथ कुछ ऐसी बातें की जो सुन के मैं चौंक उठी, क्योंकि आज तक जिंदगी में करण ने ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं की थी। क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरा बेटा ऐसी बातें करना जानता ही नहीं है, लेकिन उसकी बातें सुन के खुशी भी हुई। तो मैंने सोचा कि मेरे करण पुत्र ने मुझसे जो कहा वो मैं आप सबको भी बता दूं। करण ने कहा है कि And you know what, Mom? मुझे बहुत अच्छा लगा जब डैड यहाँ पर आए, बहुत बातें की हम लोगों ने, बहुत मस्ती भी की। आई मिस्ड हिम, इतने महीनों से वो कोमा में थे ना, आई जस्ट मिस्ड हिम। वो मिलने आए, हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, इतनी मस्ती की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि डैड का आसपास होना कितना जरूरी है हम सब के लिए। उन्हें हंसता हुआ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए
कि आप सबका ख्याल रखेंगे घर में, स्पेशली डैड का। उनसे बोलिएगा मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। हम दी करण लूथरा, मुझे कोई जेल में बंद करके थोड़ी ना रख सकता है। डोंट वरी। और ये रोना बंद कीजिए, आपने सबका ख्याल रखना है, स्पेशली डैड का। और मैं नहीं चाहता कि घर में किसी के आंखों में भी आंसू आए, दादी बुआ आप पापा किसी के भी नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस यू बेटा। बस तू जल्दी से बाहर आ जा। आ गया। तेरे बिना घर घर नहीं लगता। मैं तो करण की बात मानूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे साथ साथ आप सब भी करण की बात माने। प्रीता तुम ही सोचो ना, जेल में रहते हुए करण जब अपने पापा जी के बारे में इतना सोच सकता है, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम महेश जी के बारे में उससे ज्यादा सोचें, क्योंकि हम महेश जी के साथ इसी घर में एक साथ रह रहे हैं। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम महेशी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ इस वक्त लूथरा परिवार पे एक बहुत बड़ा तूफान आया है, लेकिन हमें इस तूफान का रुख मोड़ के किसी और दिशा में करना है। जो उदासी हमारे अंदर है वो दिल से चेहरे पे ना आए, इसकी पूरी पूरी कोशिश करनी है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा करण जेल में है, और मैं आप सबसे कह रही हूँ कि खुश रहो, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महेश जी अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं, और डॉक्टर ने भी तो कहा था ना कि हमें महेश जी को किसी किस्म की स्ट्रेस या टेंशन नहीं देनी है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इस घर के माहौल को खुशियों से भर दीजिए, हमेशा खुश रखिए। ये कोई कहने की बात है, करण ने ऐसा कहा है और बात भी बिल्कुल सही है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? कोई उदास नहीं होगा। महेश पापा की हेल्थ के लिए, उनकी खुशियों के लिए किसी के चेहरे पर उदासी नहीं आएगी। जी मामी जी, देखिए नो टीयर्स, स्माइल, सब स्माइल करेंगे, कोई सैड नहीं होगा। प्रॉमिस मामी जी, हम ऐसे ही करेंगे। मैं अभी आई। राखी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और बिल्कुल उदास मत होइए। आपसे वादा करती हूँ कि मैं करण को बहुत जल्द जेल से बाहर निकलवा कर रहूँगी। अगले हफ्ते महेश पापा का बर्थडे है ना, तो बस करण भी हमारे साथ उस सेलिब्रेशन में होगा। हम सब साथ में महेश पापा का बर्थडे मनाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। खुशी का नाटक हमें ज़्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा, कुछ बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगी। राखी माँ, मैं करण से मिलने जा रही हूँ, और वापस आते हुए महेश पापा की MRI रिपोर्ट्स भी लेते आऊँगी, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और सब कुछ ठीक होगा। करण भी जेल से बाहर आ जाएगा और महेश पापा के रिपोर्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। बहुत इंतजार कर रहे थे ना नाश्ते का, छूटे कहीं के। वाओ, ठोंगी ज्योतिष कहीं की। हाँ, ठोंगी ज्योतिष। या ये जो तुम्हारी भविष्यवाणी है कि मैं इंतजार कर रहा था नाश्ते का, मैं इंतजार नहीं कर रहा था। अच्छा, तुम्हारी आंखें साफ साफ बोल रही हैं। क्या बोल रही? कि तुम इंतजार कर रहे थे। हाँ कर रहा था इंतजार, लेकिन नाश्ते का नहीं, तुम्हारा। बैठो। बोलती बंद हो गई ना तुम्हारी? प्रीता को चुप कराना हो ना, तो थोड़े से रोमांटिक हो जाओ बस। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा
ऐसे क्या देख रहा हो? प्रीता, तुमसे कभी कहा है कि तुम बहुत पीती हो? हाँ? I mean, बहुत प्रिटी हो। और मैंने कभी तुमसे कहा है कि जब तुम फ्लर्ट करते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैंने तुमसे कभी कहा है कि तुम झूठ बहुत बोलती हो? हाँ, मैंने कब झूठ बोला? अभी तो बोला। कैसे? I mean, जो नहीं बोला। मतलब? कि तुम्हें मेरा फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कभी तुमसे कहा है कि तुम मेरे बारे में ना इतना सा भी नहीं जानते? और मैंने तुमसे कभी कहा है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में? सच बताना, कल रात को मुझे मिस किया ना? तुमने मुझे मिस नहीं किया? तुमने मुझे मिस किया, झूठ मत बोलोगे। मैं झूठ बोली नहीं रही, सच्ची मैंने तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो बेड पर लेटते ही सो गई थी। अच्छा, देखो सच सच बता दो, तुमने मुझे मिस किया वरना? वरना? वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। नहीं नहीं, अरे तो सच तो यही है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सारी रात मिस करती रही। मिस नहीं करती, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात बोलूं, कश्ती को देगा वो किनारा।